मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मुझे सार्वजनिक रूप से कहने में आज मेरे जीवन में पहली बार सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूं और संवेदना के साथ कह रहा हूं, महंत अवैधनाथ जी का मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मुझ पर बड़ा अनुग्रह रहा है, बड़ी कृपा रही। एक युवा कार्यकर्ता के मन में, एक युवा कार्यकर्ता के दिल में अनेक प्रकार की गुत्थियां रहती, अनेक प्रकार की समस्याएं उसको परेशान करती है, क्या होगा, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। महंत अवैधनाथ जी ने 80 के दशक में मेरा 11 दिन का उनके साथ सहवास रहा, मेरे मन की सारी गुत्थियों का समाधान महंत अवैधनाथ जी ने अनेक संतों के साथ मेरा संपर्क कराकर किया। मुझे कुंभ को कैसे देखना चाहिए ये भी महंत अवैधनाथ जी ने मार्गदर्शन किया और 86 के कुंभ में उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही मैं कल्पवास का संकल्प लेकर कुंभ के अंदर रहा था। मित्रों, मेरे पर व्यक्तिगत रूप से भी महंत अवैधनाथ जी का बहुत बड़ा ऋण और भार है। मैं आज महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में मेरे उनके श्री चरणों में प्रणाम कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी पुलवामा में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के कारवां पर हमला कर कायरतापूर्ण तरीके से हमारे 40 से ज्यादा जवानों को मृत मौत के घाट उतारा। पूरे देश के अंदर एक प्रकार का रोष है, गुस्सा है, ये जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना है। मगर मैं आपको कहने आया हूं मित्रों कि आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को अपना कर रही है। आप चिंता मत करना, इस जवानों का जो खून कश्मीर की धरती पर बहा है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। ये 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 5 साल के अंदर आतंकवाद का जड़बा तोड़ जवाब देने का अगर किसी ने आजादी के बाद पहली बार प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। चाहे वो जवाब कूटनीतिक क्षेत्र में देना हो, चाहे गोली का जवाब गोले से देना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक कर देना हो, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी भी मामले में तनिक भर भी विचार नहीं किया है। मित्रों, आज पूरा देश, 40 से ज्यादा जो जवान शहीद हुए हैं इनके परिवारों के साथ खड़ा है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता भी वो परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं। और मित्रों, आज किसान संघ के कार्यकर्ता, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता यहीं से संकल्प लेकर जाए कि नई सरकार ऐसी बनाएंगे कि जो आतंकवादियों को सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं करेगी। मित्रों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सालों से हम सुनते आए हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, मगर कभी भी किसानों की चिंता करने वाली सरकार आई नहीं। और एक दृष्टि से देखें तो देश का विकास और देश की कृषि का विकास दोनों को अलग करना असंभव है। हमारे देश की पहचान ही कृषि, हमारे देश की पहचान ही किसान है। देश की 60% आबादी कृषि के आधार पर अपने जीवन का निर्वहन करती। देश का जो जीडीपी है उसका 15% कृषि का क्षेत्र से आता है, किसान के पसीने से आता है। 17 ट्रिलियन रुपयों का कारोबार एक कृषि सेक्टर से होता है और $38 बिलियन का एक्सपोर्ट भी कृषि के क्षेत्र से होता है, जो देश के रुपये को स्थिर रखने का काम करता है। 160 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर
आज खेती होती है और दूध और अनाज के उत्पादन से आज हम ऐसे आत्मनिर्भर बने हैं कि ये जगत का ताक किसान पूरे भारतवर्ष की जनता का पेट भरने के लिए सक्षम है। एक दाना भी बाहर से नहीं लाना पड़ता है। ये भारत की आज स्थिति बनकर रही। मित्रों, हमने सम्यक कृषि विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नीति अपनाई है। दाम का स्वावलंबन, जल का स्वावलंबन, टेक्नोलॉजी का स्वावलंबन, मुद्रा का स्वावलंबन और आर्थिक स्वावलंबन, ये पांच सूत्रों के आधार पर हमने कृषि कल्याण की योजना को आगे बढ़ाया है। और मैं आपको बताता हूं, मैं बड़े बचपन से सरकारों की विकास योजनाओं का विद्यार्थी रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, 70 साल तक जितनी भी सरकारें आई, वो सरकारों ने किसानों के लिए एक वोट बैंक समझकर टुकड़ा 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 काम करने का काम किया।